छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र के अंतरिम बजट को हर वर्ग के विकास का बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट के बाद ये बजट पूर्ण बजट जैसा ही है। बजट के जरिए राज्य को नई रेल लाइन मिली है, इससे राज्य के पर्यटन को फायदा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी फायदा होगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, बजट पेश हुआ है आज, तो अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ के हिस्से में क्या मिला? देखिए, ये जो अंतरिम बजट होने के बाद भी ये बजट पूर्ण बजट जैसा है और इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ को रेल लाइनें मिली हैं, छत्तीसगढ़ को पर्यटन में सहायता इसके माध्यम से मिलेगी, शिक्षा में हमको इसमें सहायता मिलेगी और छत्तीसगढ़ क्योंकि नया राज्य है तो आज जो मातृवंदन योजना की घोषणा की गई है उससे भी छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी स्ट्रेंथिंग मिलेगी। सरकार का फोकस सर आधारभूत ढांचे पे रहा है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो इसी से गरीब कल्याण की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं वो पूरी होगी निश्चित रूप से। अगर गांव-गांव को सड़क मिलेगी, गांव-गांव को स्कूल मिलेगी, गांव-गांव को कॉलेज मिलेगी, गांव-गांव में अगर इंटीरियर तक रेलवे लाइन जाएगी तो निश्चित रूप से इससे गरीब कल्याण होगा। जो निचले तबके के लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, ये गरीब कल्याण की बहुत बड़ी योजना है। सर, विपक्ष तो उसे कहता है, खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो उनका 10 साल का सबसे खराब बजट है। अब विपक्ष क्या उसकी तारीफ करेगा क्या? विपक्ष ने अपना धर्म निभा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये बजट और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। सर, चुनाव है अभी कुछ महीनों बाद, तो इस बजट का असर चुनाव पर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भाजपा को मिलेगी? वो असर तो पड़ चुका है, पहले सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई, अब 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की मोदी जी की झोली में आएंगी। तो बृजमोहन अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि बजट का असर आम लोगों के विकास पर है, गरीब कल्याण पर है और चुनाव में भाजपा 11 की 11 सीटें जीतेगी। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, News18। और इधर अंतरिम बजट पर बस्तर सांसद और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह बजट लोकहित का नहीं है, फेल है, निराशाजनक बजट है, बजट में महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं, भाजपा का जुमलेबाजी वाला बजट है। बैज के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने तंज कसा और कहा कि जब पूरा देश बजट पर खुशी जता रहा है तो विपक्ष तो रोएगा ही। अगर देखेंगे इस बजट तो पूरी तरह से फेल और निराशाजनक है। इस बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है, इस बजट में बेरोजगारी कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। सर्वोत्तम बजट है, बजट को लेकर विपक्ष में है, उनकी प्रतिक्रिया जैसी आनी चाहिए वैसा उन्होंने दिया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है। 43 लाख कैश बरामद हुआ है, युवक के पास से पैसे बरामद हुए हैं, चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ यह मामला हो सकता है, गुजरात का ये युवक रहने वाला है। जबलपुर से बड़ी खबर, एक युवक के पास से 43 लाख कैश बरामद हुआ है, चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे पकड़ा है, हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो सकता है, गुजरात का ये युवक रहने वाला है। ये पैसे भी आप देख रहे हैं, तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जबलपुर से बड़ी खबर। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या वो डाउट है जो इसे हवाला कारोबार की तरफ मोड़ रहे हैं? पवन जी, बिल्कुल ललित, पूरा मामला जो है वो वाहन चेकिंग के दौरान सामने आया, जब पीयूष पटेल नाम के युवक को पुलिस ने चेकिंग के दौरान 43 लाख रुपयों के साथ पकड़ा। युवक से जब इन पैसों के विषय में पूछा गया कि व्यापार करते हो, कहां से पैसे आए, कहां लेकर जा रहे, तो वो कोई भी जानकारी नहीं दे पाया, जिससे पुलिस संतुष्ट होती। संदिग्ध मानकर पहले तो उसे युवक को पकड़ा गया और पैसे जब्त किए गए और युवक की जब जानकारी जुटाई गई तो पहले भी शायद उसकी गुजरात और कई किसी अन्य जगह पर उसके खिलाफ में कोई मामला दर्ज पाया गया जिसमें वो हवाला कारोबार से जुड़ा रहा है। तो इस समय जो है पुलिस ने इनकम टैक्स अधिकारियों को बुलाकर पैसे उनके सुपुर्द कर दिए हैं और युवक के संबंध में पड़ताल की जा रही है, लेकिन प्राथमिक तौर पर यही माना जा रहा है कि ये पूरा मामला हवाला कारोबार से जुड़ा है और युवक भी कहीं ना कहीं हवाला की रकम लेकर ही जबलपुर पहुंचा था जिसे किसी न किसी व्यक्ति को डिलीवर करना था। तो फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है, जल्दी इसमें बड़ा खुलासा होने की उम्मीद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली, बंगाल और बिहार के दौरे से रायपुर लौट आए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि हर जगह गजब का उत्साह दिख रहा है, कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं, न्याय यात्रा का जबरदस्त माहौल है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार डरा धमकाकर स्थिर सरकार को अस्थिर करने में लगी है। जबरदस्त सफलता मिल रही है, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, बिहार खासकर युवा वर्ग जो जबरदस्त उत्साह है और सड़कों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बात कही है। वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव आधार पर कहा कि 2024 का चुनाव है अंतिम चुनाव हो सकता है, ये जनता के लिए अलार्मिंग है। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा फंसा कर कभी चाहे विपक्ष जितने नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रही है। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है, इसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो शिक्षा और रोजगार के लिए 1,00,000 करोड़ के कॉर्पस फंड का वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने।